धनतेरस का त्यौहार वो दिन जब माता लक्ष्मी के आगमन के स्वागत की तैयारी होती है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत लाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो ये शुभ दिन आपके लिए अशुभ बन सकता है। हाँ जी हाँ, आज हम जानेंगे वो खास तीन चीज़ें जिन्हें खरीदने से आपके घर में सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि खुशियाँ और समृद्धि भी आएगी। और साथ ही ये भी बताएंगे कि धनतेरस पर क्या गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर धनतेरस का त्यौहार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। धनतेरस का शाब्दिक अर्थ धन यानी संपत्ति और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है जिन्हें धन स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें हमारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली लाती हैं। परंतु दोस्तों, क्या हर चीज़ खरीदना शुभ होता है? बिल्कुल नहीं। धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये जानना भी उतना ही जरूरी है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो धनतेरस पर खरीदने से हमारी किस्मत खराब हो सकती है। चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। धनतेरस पर लोहे या स्टील के बर्तन खरीदने से बचें, ये हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। इस दिन धातु तो खरीदें लेकिन पीतल, सोना या चांदी, ये धातुएं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। काले रंग का अपशगुन का प्रतीक माना गया है, इसलिए खास तौर पर त्योहारों पर काले रंग की कोई वस्तु हमें नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही घर पर लानी चाहिए। धनतेरस पर टूटी फूटी चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। शीशे से बने पदार्थों को भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही नुकीले चीज़ों को खरीदना चाहिए। अब जानते हैं उन खास चीज़ों के बारे में जिन्हें इस दिन खरीदकर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ये तीन चीज़ें केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि आपके जीवन में खुशियों का संचार भी करती हैं। धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदने का एक धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि सोने या चांदी का कोई भी आइटम खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ये संपत्ति का प्रतीक है और इससे हमारे घर में स्थिरता आती है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के खजानों में सिर्फ सोना या चांदी ही रखी जाती थी ताकि राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार धनतेरस पर नई झाड़ू लाकर हम दरिद्रता को अपने घर से बाहर निकालते हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी अपने साथ झाड़ू लेकर चलती है और जहाँ वह जाती है वहाँ से दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो इस धनतेरस पर नई झाड़ू जरूर खरीद कर लेकर आएँ। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये बर्तन सोने, चांदी या पीतल के हों। प्राचीन मान्यता के अनुसार बर्तन सुख समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है। नए बर्तन खरीदते समय उन्हें रात को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हमारे शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है। पहले दिन के बाद अब जब हमने जान लिया है कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, तो आइए जानते हैं धनतेरस पर पूजा की विशेष विधि। इस विधि से आपका धनतेरस और भी शुभ हो जाएगा। संध्या समय पर अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, ये माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है। लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को शहद का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि माँ लक्ष्मी को शहद बहुत ही प्रिय होता है। घर के प्रत्येक कोने में दीपक जलाएं ताकि हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में खरीदी गई चीज़ें हमारे जीवन में लंबे समय तक बरकत और समृद्धि लाती हैं। तो जानते हैं कि इस बार धनतेरस पर कौन सा समय शुभ होगा। धनतेरस पर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय सबसे शुभ माना गया है। इसी दौरान आप सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीद सकते हैं। इस धनतेरस पर इन तीन चीज़ों को खरीदकर अपने जीवन में खुशियों
और समृद्धि का स्वागत करें। ध्यान रखें कि जो चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं उन्हें इस दिन खरीदने से बचें। आपके लिए ये त्यौहार अपार खुशियों और धन धान्य लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि इस धनतेरस आप क्या खरीदने वाले हैं। जय माता दी। धन्यवाद।